हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग की सीरीज में। आज की वीडियो का टॉपिक है रूटीन चेकिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूटीन चेकिंग का मीनिंग समझते हैं। हमने समझा था टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, ऑडिटर कुछ ट्रांजेक्शन चेक करता है डीप में और उनके बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है। लेकिन रूटीन चेकिंग में ऐसा नहीं होता। रूटीन चेकिंग में वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक करता है सब सारी की सारी बुक्स में से, तो उसको बोलते हैं रूटीन चेकिंग। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, द चेकिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल एंट्रीज चेक करते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज एंड एंट्रीज इन द सब्सिडरी बुक्स इज कॉल्ड रूटीन चेकिंग। दिस इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ सेल्स बुक विथ आउटवर्ड इनवॉइस, परचेज बुक विथ इनवर्ड इनवॉइस, कैश बुक विथ कैश वाउचर्स एक्सेट्रा। मतलब हर एक एंट्री को चेक करने को क्या बोलेंगे हम लोग, रूटीन चेकिंग। दस रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस इन डिटेल, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को डिटेल में चेक करना रूटीन चेकिंग बोलते हैं। सिंपल। अब एडवांटेजेस देखते हैं। पहला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज टेस्टेड। क्योंकि हम लोग सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं इसलिए हमेशा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। सेकंड, एरर्स एंड ओमिशंस आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड इन अर्लियर डेट। एरर्स एंड ओमिशंस बहुत इजीली मिल जाते हैं क्योंकि हम लोग कोई एंट्री छोड़ते ही नहीं, सारी एंट्री चेक कर लेते हैं, इसलिए एरर्स एंड फ्रॉड्स के मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। थर्ड, रूटीन चेकिंग इज प्राइमरी चेकिंग, द फाइनल ऑडिट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ रूटीन चेकिंग। देखिए ऐसा है कि रूटीन चेकिंग को हम लोग प्राइमरी चेकिंग या बेसिक चेकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि जो फाइनल चेकिंग होती है इसी के बेसिस पे होती है, इसलिए इसको फंडामेंटल चेकिंग भी बोलते हैं। फोर्थ, रूटीन चेकिंग डज नॉट कॉल फॉर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड हेंस सेम कैन बी एंट्रस्टेड टू जूनियर क्लर्क्स एंड द ऑडिटर कैन डिवोट मोर टाइम टू इंपॉर्टेंट मैटर्स। देखिए ऐसा है कि रूटीन चेकिंग करने के लिए कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। कोई नया ऑडिट क्लर्क भी आता है या कोई नया ऑडिट स्टाफ भी आता है जिसको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है ऑडिटिंग के बारे में, वो भी रूटीन चेकिंग कर सकता है क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत होती नहीं है। तो रूटीन चेकिंग करना बहुत आसान भी होता है, सब लोग कह सकते हैं। सिंपल। ये चारों एडवांटेजेस थे किसके, रूटीन चेकिंग के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।